हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ नई वीडियो बाय गैबी फेलो। और आज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी को हम करने वाले खत्म। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब इतना बड़ा है कि हर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि आईफोन पे किसी भी टाइप की वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करें या फिर वीडियो को डाउनलोड कैसे करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों को परेशान करता है, क्योंकि भैया यहाँ पे जो लोग 1-1 लाख रुपए का फोन ले लेते हैं और फिर बात आती है वीडियो रिकॉर्ड करने की, तो वहां पे उनका फोन जो है वो हो जाता है फुस। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एप्पल की अपनी खुद की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, और एप्पल के प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे ऐप स्टोर में और वहां पे सर्च करोगे आप एप्लीकेशन की, भैया ऐसा कोई एप्लीकेशन मिल जाए जिससे मैं कोई वीडियो डाउनलोड कर पाऊं या फिर मैं वीडियो कुछ शेयर कर पाऊं, तो ऐसे कोई एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी भी तो या तो वो पेड होगी या बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगी। तो भाई एप्पल यूजर्स के लिए ये जो क्वेश्चन है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आज यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, एक सिंपल सा सॉल्यूशन जिसके थ्रू ये बड़ी प्रॉब्लम बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटी की जा सकती है, और वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ 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 देखो अब। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, मैं आपको अपने फोन में करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ iPhone 10, और यहाँ पे आप देखिएगा कि मेरे फोन में बिना किसी सॉफ्टवेयर के मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपको भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो मान लीजिए आपको डाउनलोड करनी है वीडियो आपके YouTube से, तो ये खोल लिया भैया हमने YouTube। अब देखिए यहाँ पे हम आगे क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है YouTube से, तो आप YouTube की वीडियो ढूंढ लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई नया गाना रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे लिख दिया मैंने कि न्यू सॉन्ग। अब आपका जो भी गाना होगा वो आप लिख दो यहाँ पे, आपके गाने के नाम आ जाएंगे सारे। फॉर एग्जाम्पल ये नेहा कक्कर का है, नहीं नेहा कक्कर को छोड़ो, आप यहाँ पे लेते हैं आंख मारे, ये वाला गाना रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि वीडियो चालू हो चुकी है, इसको हम करते हैं पॉज। लेकिन अब बात आती है कि इस वीडियो को भैया रिकॉर्ड कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी वीडियो ऑन कर लेनी है, यहाँ पे ढूंढ के ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद आपको जाना है ऊपर से स्वाइप करना है, और बाकी आईफोन है तो उसमें नीचे से स्वाइप करना है, और यहाँ पे जाना है आपको अपने कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में मैंने ऑलरेडी जो बटन है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर्च के बगल में एक बटन है जो गोल सा बना हुआ है, इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे टाइमर शुरू होता है 3, 2, 1, और ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो गई। तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो है आपको वो गैलरी में चाहिए, तो चाहे आप वो डाउनलोड करके लाओ या रिकॉर्ड करके लाओ, बात तो एक ही है, क्योंकि आपको तो वीडियो शेयर करनी है या आपको अपने पास रखनी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये गाना मेरे को रिकॉर्ड करना है, तो मैंने गाने को शुरू से यहाँ पे करके रख लिया, रिकॉर्डर मेरा ऑन हो गया। अब मैं भैया गाना को प्ले करूंगा और यहाँ को पे कर दूंगा इसको फुल स्क्रीन मोड में। ओके लेट्स ट्राई। ओके तो इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए वहाँ पे ऊपर आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, जो मेरा टाइम है वहाँ पे 3:59 लिखा हुआ है। तो मुझे इस वीडियो को सेव करना है अपनी गैलरी में, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको जाऊँगा और यहाँ पे इसको स्टॉप क्लिक कर दूंगा, दैट्स ऑल। तो भैया ये देखना है कि अब ये जो हमने किया ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए काम कर रहे हैं हम जाते हैं अपनी फोटोज में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का एक स्क्रीन ऑलरेडी यहाँ पे सेव गया। इसको मैं प्ले करता हूँ और यहाँ पे जो जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे देखिए ये गाना आपकी गैलरी के अंदर ऑटोमेटिक आके यहाँ पे सेव हो चुका है। तो भाई ये था यहाँ पे सिंपल सा तरीका किसी भी वीडियो को डाउनलोड करने का, किसी भी वीडियो को आपकी गैलरी में सेव करने का। उसके साथ भाई यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये बटन जो है कंट्रोल सेंटर में ये रिकॉर्डिंग का बटन देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो आपको भैया सबसे पहले जाना है सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है अपने कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में देखिए यहाँ पे एक कस्टमाइज कंट्रोल्स यहाँ पे गए हम, तो यहाँ पे देखिए जिन लोगों का यहाँ पे नहीं आता है, मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऊपर लगा हुआ है, जिन लोगों का नहीं होगा उनका यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे है, मुझे इसको ऐड करना है तो इसको हमने कर दिया यहाँ पे ऐड, और ये देखिए यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिल गया। सो दोस्तों ये था यहाँ पे सिंपल सा तरीका किसी भी वीडियो को अपने आईफोन पे या किसी भी आई डिवाइस पे डाउनलोड करने का, किसी भी आई डिवाइस एज इन की आईफोन आईपैड इन दो पे ही, ठीक है। मैक के लिए अलग प्रोसीजर है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल इन दो आई डिवाइस के लिए आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा ट्रिक पसंद आया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इसके साथ क्या करना है आपको, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।